बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में जिया शंकर ने नॉमिनेशन टास्क में की अपने दोस्तों के साथ धोखेबाजी। आखिरकार आइए जानते हैं जिया शंकर ने अपने ही दोस्तों को कैसे दिया है धोखा और क्या धोखेबाजी कर डाली है। वेल गाइज, आपको बता दूं कि नॉमिनेशन टास्क बीते दिन हुए और इस बीते दिन हुए नॉमिनेशन टास्क में बेसिकली जिया के पास एक मौका था कि वो अपने दोस्त को बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दोस्त को ही नॉमिनेट कर दिया, वोट आउट कर दिया। बेसिकली जिया के पास मौका ये था कि उनके पास ऑप्शन थे, वो अभिषेक मल्हान या फिर अविनाश को सेव कर सकती थी, लेकिन ऐसे में उन्होंने अविनाश को वोट आउट करके नॉमिनेट कर दिया और अभिषेक मल्हान को सेव कर दिया। देखा जाए तो उस हिसाब से जिया शंकर अपने दोस्त हमेशा अविनाश का नाम लेती हैं कि वो उनके खास दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर दोगलापन दिखाकर जिया शंकर ने बहुत गलत किया। जिया चाहती तो अपने दोस्त अविनाश को सेव कर सकती थी, बचा सकती थी नॉमिनेट से, लेकिन यहां जिया ने अपने ही दोस्त अविनाश को नॉमिनेट कर दिया और यहां अभिषेक मल्हान को सेव कर दिया। एक बार फिर अभिषेक मल्हान से नजदीकियां बढ़ाने की और अपने गेम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती हुई नजर आई हैं जिया, ये प्रूफ करते हुए कि किस तरीके से उन्होंने अभिषेक को बचाया है ताकि वो और भी ज्यादा अपने गेम को स्ट्रॉन्ग कर लें। लेकिन यहां धोखेबाजी कर दी है अपने दोस्त अविनाश के साथ। ऐसे में जिया शंकर के इस दोगलेपन को देखने के बाद लोगों का लगातार गुस्सा फूट रहा है। हालांकि जिया शंकर ने ऐसा पहली बार नहीं किया, बल्कि वो कई बार ऐसी हरकतें ऑलरेडी कर चुकी हैं। इनफैक्ट अब जिया शंकर की इस हरकत पर लोग लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोग कहते नजर आ रहे हैं कि जिया कभी भी अपने दोस्त की सगी नहीं हो सकती हैं। अब ऐसे में जिया शंकर ने जो ये स्ट्रैटेजी अपनाई है अभिषेक मल्हान को सेव करके अविनाश सचदेव को नॉमिनेट करने की, इस हिसाब से आप बताएं कि आखिरकार जिया शंकर क्या वाकई अपने गेम को स्ट्रॉन्ग कर पाए की फुकरा इंसान के साथ मिलकर। वेल, डू लेट अस नो योर रिएक्शन जिया शंकर के दोगलापन पर। क्या कहेंगे आप सभी?